नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। लता मंगेशकर जी का निधन हुआ उस पर किस प्रकार से आसाम हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया मदरसे समाप्त होने चाहिए, और इस मदरसे की समाप्ति में हिमंता विश्व शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान है उसके विषय में, राहुल गांधी के स्पीचेस और उनके गंगा दर्शन और गंगा जल आचमन के विषय में और भी बहुत सारी बातें हैं। इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी सनातन हाट के सत साहित्य के प्रति अपना रुझान दिखाया है। सनातन हाट पर लगातार बुक्स अपडेट होती जा रही हैं, और आप लोग जिन जिन बुक्स की डिमांड कर रहे हैं प्लीज हमें तकरीबन एक हफ्ते का समय दीजिए, वो सभी बुक्स आपको यहां पर मिल जाएंगी। अधिकतर डिमांड्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूरे सत्य सनातन परिवार की ओर से भारत रत्न लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान करने से। भारत रत्न लता मंगेशकर जी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की महिला रही हैं, और इसी बार इतिहास के सब पन्ने बदलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि बीटिंग रिट्रीट पर मेरे वतन के लोगों ही चलेगा। हालांकि इस गीत के चलने से काफी सारे कांग्रेसियों के पेट में दर्द हुआ था, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए भारत कोकिला भारत रत्न लता जी को यह सम्मान प्रदान किया गया था। अब आप जरा सोचिए कि एक तरफ भारत रत्न है और दूसरी तरफ भारत के कपूत उनके नाम पर भी राजनीति कर रहे थे, लेकिन आज उनके निधन के बाद मरणोपरांत बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गद्दार दीमक कौम के लोग हैं जो उनके निधन पर भी हंस रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कमेंट करके ये तक कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में भी इनका सहयोग था, हाथ था, योगदान था। चलो, मुझे तो यह बात पहली बार पता लगी और मेरे दिल में तो उनके प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ गया, और इसका पूरा श्रेय जाता है इन मोहम्मदियों को, इन अब्दुलों को। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के इस प्रकार हंसने के पीछे राज क्या है? राज है वो नेता जो लगातार लता मंगेशकर जी का विरोध करते रहे, जो अंतिम समय में भी लता मंगेशकर जी को कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास करते रहे, वो लोग जो राष्ट्रवादी लोगों से नफरत करते रहे हैं वही प्रेरणा बनते हैं इन मोहम्मदियों और इन अब्दुलों की। हालांकि आपको यहां पर कुछ हिंदू नामधारी भी मिलेंगे, मैं स्पेशली उन लोगों के स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, लेकिन यही तो हमारी पहचान करने की, परख करने की असली परीक्षा होगी कि जब आपके सामने हिंदू नामधारी लोग आएंगे वो क्रिप्टो क्रिश्चियन और वामपंथी एजेंडे से पूरी तरीके से लबालब होंगे, लेकिन कुछ मोहम्मदी आपको उनके नाम दिखा करके कहेंगे कि देखो जी यहां पर तो हिंदू भी हैं। ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस, क्रिप्टो हिंदू तैयार किए जाते हैं ऐसे समय के लिए कि जब उनको कवर फायर देना होता है किसी मोहम्मदी, किसी भी अब्दुल पंचर वाले को। अब आप जरा सोचिए कि इस पूरी की पूरी मुहिम में एक भारत रत्न के जाने से खुशी किनको हो सकती है और क्यों हो सकती है? इन ढोंगरेसियों ने जब किसी भी राष्ट्रभक्त का सम्मान नहीं किया, वो ढोंगरेसी जो कभी भी हिंदुओं के सम्मान के लिए खड़े नहीं हुए, वो ढोंगरेसी जो हिंदू बहन बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचार, उनके ऊपर होने वाले दुष्कर्म और दुराचार पर कभी आवाज नहीं उठाते और हिजाब के लिए सबसे पहले कूद करके पड़ते हैं, वही हिंदू आज आपको गंगा के किनारे पर खड़े हुए आचमन करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। गांवों में जहां पर पोर्ट नहीं होते, छोटे बच्चों को जिस प्रकार हाथ पकड़ करके पेशाब करवाया जाता है या उनसे पोटी करवाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से अमूल बेबी का हाथ पकड़ करके भी गंगा जल का आचमन करवाया जा रहा है। ये जो लोग कल तक हिजाब के लिए लड़ रहे थे वो आज जबरदस्ती गंगा जल पीते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि आज हिंदू एकजुट है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है,
उसके चाल से, चलन से, पूजा पद्धति से, उसके एटीट्यूड से, उसके चेहरे के रोम रोम से आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर सनातन वैदिक धर्म, इसके अंदर हिंदू और हिंदुत्व किस प्रकार रमा हुआ है। रात दिन हिंदुत्व को गाली देने वाला व्यक्ति आज दूसरे को अपना हाथ पकड़ा करके जल आचमन कर रहा है, यह इनका चुनावी हिंदू बाहर निकला है, या फिर भाजपा के स्टार प्रचारक होने के नाते नमामि गंगे का ये प्रचार कर रहे हैं, ये तो आप ही जाने, आप ही हमें नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन आप इन दोनों व्यक्तित्व में और इन दोनों के कार्यों से, पूजा पद्धति के तरीकों से, इनके खुद के कमेंट्स से, इनके खुद के पुराने ट्वीट से, हिंदुओं से प्यार और उनके खिलाफ उगलते हुए जहर से, इन सब से आप खुद पता कीजिए कि हिंदू कौन है। अब आप सोचिए कि 70 साल तक राज्य और केंद्र में रहने वाली ढोंगरेस ने गंगा जी के लिए क्या किया, कभी कुछ कार्य नहीं किया। लेकिन ये वही राहुल गांधी है जिसके पिता एक पारसी की औलाद थे, जिन्होंने की एक क्रिश्चियन से शादी की, और उससे पैदा होने के बावजूद ये कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूं। तो ऐसे हिंदू और ऐसे हिंदुत्व को आप क्या कहेंगे? वो व्यक्ति जिसकी मसाज भी बैंकॉक में जाकर होती हो, वो व्यक्ति जिसकी माँ का छोटे से छोटा इलाज भी अमेरिका और वेटिकन से पहले ना होता हो, वो व्यक्ति जिसका मूत्र पीने के लिए ढोंगरेसियों की लाइनें लगती हो, वो व्यक्ति जो अपने कार्यकर्ताओं को अपने कुत्ते का बिस्किट खिलाता हो, वो व्यक्ति जो हिंदू और हिंदुत्व से सख्त नफरत करता हो, यदि वो आज अविरल और कलकल बहती हुई गंगा जी का सीधे जलपान कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये जो ढोंगी व्यक्ति हैं जिनको आचमन तक करना नहीं आता, पहले गंगा की पूजा करके आचमन करें, आचमन करने के बाद में जल कहाँ फेंके ये तक मालूम नहीं, तो आप समझ जाइए कि इस नकली हिंदुत्व का हमें क्या इलाज घड़ना है। तो आप समझ जाइए कि हिंदुओं को रात दिन गाली देने वाले, वो हिंदुत्व को बदनाम करने वाले, वो हिंदू आतंकवाद की परिभाषा देने वाले, और वो लोग जो हिंदुओं को खत्म करने वाले लोगों को गले लगाने वाले लोग हैं, उन लोगों का हमें क्या हाल और क्या हशर करना चाहिए। और आपको यह हाल और हशर करने के लिए कोई बुलेट चलाने की नहीं बल्कि बैलेट की जरूरत है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। इसी ढोंगरेस के विषय में, इस राहुल गांधी के विषय में, ये जो मैंने मूत्र के लिए लाइन लगने वाली जो बात बताई है ना, ये पता है किसने बताई थी? ये बताई थी हिमंता विश्व शर्मा जी ने, और उन्होंने कहा कि मेरे सामने जब ये बात कही गई, मैंने देखा कि उसके कुत्ते पिद्दी के जो बिस्किट है बचे हुए, वो ढोंगरेसी बड़े बड़े नेता जो कि सीएम रह चुके और जो है वो खा रहे थे। यह बात बताने वाले हिमंता विश्व शर्मा जी ने आसाम के अंदर मदरसे पूरी तरीके से सरकारी अनुदान पर जितने भी थे सब खत्म कर दिए हैं, और यह ऐतिहासिक फैसला गुवाहाटी के हाई कोर्ट ने भी दे दिया है। असम सरकार का यह फैसला था कि हम जो सरकारी अनुदान देते हैं उससे किसी मजहब विशेष की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इसके खिलाफ वहां के मुस्लिम लोग पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह फैसला एकदम जबरदस्त है, यह जो फैसला है अन्य राज्यों के द्वारा भी अनुकरणीय है। अब आप जरा सोचिए कि पिछले कुछ दिनों से सभी हिंदूवादी संगठन कह रहे थे कि भाई धारा 25, 30 इन सब में अमेंडमेंट होना चाहिए इनको, या फिर लागू करा जाना चाहिए कि भाई हिंदू भी अपना स्कूल में, कॉलेज में गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, दर्शन पढ़ा सके। लेकिन इन सब का तोड़ एक मुख्यमंत्री ने निकाल दिया है, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भैया जो धाराएं हैं वो तो कहती हैं कि सब स्वतंत्र हैं, पढ़ना चाहिए सभी को ही, लेकिन उन मदरसे हो चाहे गुरुकुल हो, उनको अनुदान राशि देने का कार्य तुष्टीकरण की राजनीति आपके कार्यकाल में आपसे करवाती है, और वो तुष्टीकरण की राजनीति मैं तो नहीं करूंगा। स्पष्ट सी बात है भाई, यदि कोई अपने गुरुकुल में या मदरसे में अपने पैसे से, अपनी कम्युनिटी से कलेक्ट करके पढ़ा रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसको हम सरकारी अनुदान भी दें, यह आता है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते।
उन्होंने कहा कि यह कार्य मैं नहीं करूंगा, और यह हर राज्य में है लेकिन कोई भी राज्य इस पर इंप्लीमेंट करना चाहता नहीं क्योंकि वोट बैंक का खिसकने का डर रहता है। लेकिन हिमंता बिस्वा सरमा इन सब डर से उबर चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप अपनी विधान, अपने संविधान और अपनी धाराओं को जहां पर सुरक्षित रखना चाहते हो वहां पर रखो, लेकिन यह जो कार्य मेरे हाथ में है यह मैं करूंगा। मदरसों का इस प्रकार से सरकारी अनुदान के द्वारा चलाया जाना पूरी तरीके से गैर बराबरी है, गैर संवैधानिक है, अन्यायपूर्ण है और यह बंद होना ही चाहिए क्योंकि हम सबकी गाढ़ी कमाई जो सरकार को हम टैक्स के रूप में देते हैं यदि वो मदरसे में जाएगी और मदरसे में ये पढ़ाया जाएगा कि सारे के सारे टैक्स पेयर्स जितने भी गैर मुसलमान हैं या हिंदू हैं ये सारे के सारे काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं और इन सब लोगों को अल्लाह मियां जहन्नम में फेंकेगा, तो इस शिक्षा को देने से पहले हम अपना टैक्स का पैसा दें ही क्यों, हम ऐसी सरकार को यह पैसा पे करें ही क्यों, हम अपनी मौत का सामान स्वयं ही तैयार कराएं क्यों। इन सब का जवाब आज की तारीख में देने का कार्य हिमंता जी ने किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको यह है चुनावी हिंदू जो राहुल गांधी के अंदर जागा है वो कैसा लगा, कल तक जो सरस्वती पूजन में भी इब्राहिमिक रिलीजन्स के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उन सब लोगों के विषय में आपका क्या कहना है। दूसरी बात कि इस नमक हराम दीमक कौम के विषय में आपका क्या कहना है जिस प्रकार से हंसते हैं, उन हिंदू नामधारी कम्युनिस्ट और क्रिप्टो क्रिश्चियंस या क्रिप्टो मुस्लिम्स के बारे में आपका क्या कहना है, और हिमंता जी के, सबसे बड़ी चीज, हिमंता जी के इस फैसले पर और उनकी इस जीत पर आपका क्या कहना है, सब चीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सनातन हाट को आपने इतना सपोर्ट दिया, वैदिक सत साहित्य आपने वहां से खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि साधुवाद, शुभकामनाएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब स्वयं भी करें और मित्रों से भी कराएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।